आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ धनिया के साथ साथ आलू की भुजिया बनाएंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। धनिया आलू की भुजिया बनाने के लिए यार आलू छोटे छोटे साइज में धनिया लिया है खूब सारा। हम जो ये धनिया आलू की भुजिया बनाने वाले हैं वो हम बटर में बनाएंगे। हमने अमूल बटर की एक छोटी टिक्की ली है। ये हमने लहसुन लिया है, अदरक लिया है और प्याज और ये हरी मिर्च। चलिए हम अपनी धनिया आलू की भुजिया बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपनी कढ़ाई रख ली है और इसे हम कर रहे हैं हीट। हम इसमें बटर का हाफ पार्ट डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। हमारा मक्खन मेल्ट भी हो रहा है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसमें ऐड करेंगे हम अपना अदरक और लहसुन और हरी मिर्च और इन सबको भून लेंगे। ये देखिए अदरक और लहसुन भुनने लगे हैं और हमने अदरक और लहसुन थोड़ा मोटा मोटा काट रखा है जिससे हमारी भुजिया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 और इनको भी भून लेंगे। और ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। जब आपका लहसुन अदरक और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटे हुए 4 आलू। हमने क्यूब साइज में काट रखा है। आप चाहो तो उबाल के भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन आलू आप पूरा मत उबालिएगा। उसको अब मिला लेते हैं। अब इसको हम लगभग 5 मिनट ऐसे ही भुनेंगे। हम पांच मिनट के भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में ज्यादा मसाले यूज नहीं कर रहे हैं। हल्दी 1/2 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने 1/2 चम्मच और नमक 1/2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अगर किसी को इसके बाद पता करना हो ये मसाला कैसे बनाया जाएगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं जाके। उसको अब मिक्स कर लेते हैं। लाल मिर्च डाला हमने, इससे कलर कितना अच्छा उभर के आया है आलूओं का। और नमक इसलिए डाला है हमने जिससे हमारे आलू हैं जल्दी से पक जाएंगे। आप चाहो तो इसे ढक्के भी बना सकते हैं। अगर आप आलू को मोटा मोटा काटेंगे तो आपको ढक्के ही पकाना पड़ेगा। हमने आलू का साइज पहले ही बहुत छोटा रख रखा है। आलू को अब हम अच्छे से भून लेते हैं। हमें इसे भूनते हुए लगभग 5 मिनट से ऊपर हो गया है। चलिए हम आलू एक बार चेक कर लेते हैं अपनी। ये देखिए 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। मक्खन की हाफ टिक्की हम इसमें ऐड कर देंगे और खूब सारा धनिया जो है हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब ये लगभग हमने 50 ग्राम धनिया लिया है और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। तीन से 4 मिनट और भूनेंगे। ये आप देखिए हमारी धनिया आलू की भुजिया बनके तैयार है। अब हम आपके लिए धनिया आलू की भुजिया निकाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे ना बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाली बात, वही है बस। आप आलू की भुजिया जो धनिया फ्लेवर के साथ हमने बनाई है एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें और मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे हमारी सारी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये आप देख सकते हैं हमारी धनिया वाली आलू की भुजिया बनके तैयार है। मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियोस के साथ। नमस्कार।